दोबारा जन्म मिला आपको? बिल्कुल दोबारा जन्म मिला है मेरे को, क्योंकि सभी को पता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि मिल गया है डॉक्टर का पुनर्जन्म देने वाला वो लड़का। साथियों, डॉक्टर सचिन भारद्वाज जो समाज सेवी, से पहले की भी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर उसको खूब सारा प्यार दिया था, फिलहाल सृष्टि क्लिनिक के ऊपर हमारी टीम मौजूद है, सृष्टि डेंटल क्लिनिक रोहतक है। साथियों, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी डॉक्टर सचिन भारद्वाज की, तो भाई जो जीवन और मृत्यु के बीच में जिस टाइम पर मैदान था, हॉस्पिटल में जो जूझने लग रहा था उस टाइम पर है, एक तरफ मौत थी एक तरफ जीवन था, उस टाइम पर उस लड़के ने इसकी जो जान बचाई है भाई, जो सचिन भाई बताने लग रहा है कि भाई इस लड़के ने देवता भगवान बनकर मेरी जान बचाई है। फिलहाल साथ साथ में दिखा दीजिएगा, इलाज भी यहाँ पर होने लग रहा है, डॉक्टर की तरफ से इलाज किया जा रहा दांतों का यहाँ पर। सचिन भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है, राम राम। राम राम आपको और तमाम दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा आए और बहुत बहुत हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से राम राम। अच्छा, कैप्शन हमने दिया है, काफी लोग कहेंगे जब भाई ये आपने क्या लिख दिया कि डॉक्टर को पुनर्जन्म देने वाला लड़का मिल गया, क्या पुनर्जन्म हुआ आपका? देखिए, पुनर्जन्म का मतलब है कि दोबारा जन्म मिलना। जी, दोबारा जन्म मिला आपको? बिल्कुल दोबारा जन्म मिला है मेरे को, क्योंकि सभी को पता है जो मेरा बिलुरुबिन था, जो मेरा जॉन्डिस हो गया था, बिलुरुबिन 42 चला गया था, जो आप यदि गूगल सर्च करोगे तो एक से भी एक पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू रहती है। सारा बिल्कुल पूरा बॉडी में शिवरिंग हो गई थी, चलने की आसंग नहीं थी, और कभी भी ऐसी स्टेज थी कि कोमा में जा सकता था, ब्रेन में कोई भी अटैक हो सकता था, लीवर में हो सकता था। जो ये भाई है ना, मेन तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है आज मेरे क्लिनिक पे आया। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं एडमिट था, इसका नाम स्तेंद्र है और ये नर्सिंग स्टाफ है मेदांता में, नर्सिंग विभाग में, नर्सिंग, बिल्कुल आप ही बता दो आपका डेजिग्नेशन क्या है। मेरा नाम सत्येंद्र है, मैं मेदांता हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ, और मैं 1.5-2 साल से मेदांता हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर सचिन भाई क्या कहेंगे, आज आपके क्लिनिक पर भाई साहब ने विजिट की है भाई, और आपका मन बिल्कुल खुश, आपके चेहरे पर स्माइल दिख रही है हमें। देखो, मेरा सौभाग्य है ये, मेरा सौभाग्य ये है कि आज ये भाई, मैं आज इसके काम आ सकता हूँ, तो आज ये और इनकी वाइफ हमारी भाभी जी आई और टित के इलाज के लिए आई, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इसके कैसे काम आ सकता हूँ। इतना अच्छा इसका भाई का नेचर था और इतना अच्छा इसका हाथ था, और आपने मेरा इंटरव्यू तो ले लिया, लेकिन आप चंद बातें इससे पूछो, ये बताएंगे कि वहाँ पे कैसा क्या था, मेदांता में क्या रहा, आप बताइए। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी पड़ोसी पेशेंटों को, डॉक्टर साहब ने उनके लिए बहुत हेल्प करी, लोगों के बेड के साथ में जो मरीज थे उनको आर्थिक स्थिति के पर वो मतलब तंग थे, तो उनकी सहायता की इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो पेशेंट काफ़ी दूर से थे, उनके ब्लूरोबिन बहुत हाई थे, उनके लिए ब्लड रेंज नहीं हो रहा था, SDPC जो प्लाज्मा के लिए अरेंज करते हैं वो नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अरेंज कराया, उनका प्रोसेस आगे बढ़वाया, वो डॉक्टर साहब के द्वारा ही उन पेशेंटों को भी आगे ट्रीटमेंट का। सारी नहीं बताते, मैंने आज तक नहीं बताई थी क्योंकि देखो, जो आप अच्छाई करते हो ना, अच्छाई करके उसको भूल जाओ, वो परमात्मा को समर्पित कर दो। मैंने आज तक क्या आपको बताया कभी ये बात, लेकिन ये आ जाए, मैंने कभी भी सतेंद्र भाई कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन चलो भाई ने बताया, आज भी इत्तेफाक था, हमने आना था वैसे ही और अचानक से मिल गए। बिल्कुल भाई, 19 तारीख को न्योता देने आया था भाई, और जरूर आएंगे, और मैं यही बताऊंगा, देखो अच्छे कर्म करते रहो। जब मैं एडमिट था ना, मैं खुद डॉक्टर था, मैंने इनको अपने से भी ज़्यादा तवज्जो दी, रिस्पेक्ट दी, कोई भी सीखने वाला आता यदि गलत सुई लगा देता तो मैंने ये नहीं दिखाओ मैं डॉक्टर हूँ, ना भाई ठीक है कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, मैं अपनी गुड़िया को याद कर लेता था, जैसे कोई भी मान ले कोई गलत सुई लगा देता, दर्द होता ना, तो अपने आँखें बंद करके अपने बच्चों को याद कर लो या परमात्मा को याद कर दो, तो दर्द कम हो जाता है उससे, आप उधर खो जाओ, आप अपना परमात्मा में लीन हो जाओ। मैं अपनी बेटियों को याद कर लेता था, जैसे कोई कुछ होता था ना तो मैं ध्यान ही नहीं जाता था। अभी सचिन भाई अभी कैसा स्वास्थ्य है, आपके चाहने वाले आपके साथी वो पूछना चाहते हैं। देखिए, अभी लास्ट रिपोर्ट में कितना आया था बिलुरुबिन? जी 6.8 था, कितना था? 6.8 था ना, अभी जो था 6.8 है, अभी भी देखो प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी पहले से मैं बेटर हूँ, और अभी
एक्सीडेंट हो गया था, दोनों गाड़ी भिड़ गई थी, पता नहीं ये हो क्या रहा है, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा से फिर अभी एक्सीडेंट हो गया था? दोबारा से अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, एक्सीडेंट डेंट हो गया था और दोनों मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, माइनर फ्रैक्चर भी आए थे पैर में भी, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है साथ में, कोई बात नहीं, कोई संकट कट ही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज इस बात से खुश हूँ कि मैं सतेंद्र भाई के काम आ सकता हूँ, काम आने लग रहा है भाई। देखो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, तो ये भाई कहीं ना कहीं मतलब उस रूप में आया और भाई ने बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी। देखो अपनी अच्छी ड्यूटी, अपने तरीके अच्छी ड्यूटी, कोई सच्ची और अच्छे नेक नीति से अपनी ड्यूटी कोई भी निभा रहा ना, वो भाई भगवान की सेवा होती है, मैं तो ये कह रहा हूँ। भाई ने डॉक्टर सचिन बहुत अच्छे नेचर भाई, बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, समाज से भी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी सेवा, पहले ये हमारे पेशेंट थे तो हमने इनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करी, लेकिन अब हम इनके पेशेंट हैं तो हम इनकी सेवा के लिए हैं। बिल्कुल। चलो भाई साथ साथ में एक बार दिखा भी, सचिन भाई आप भी दिखा दो एक बार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। दर्शक जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा करते थे, किसी भी प्रकार की दांतों की प्रॉब्लम होती है आपके यहाँ पर क्लिनिक पर, उसका इलाज किया जाता है, क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है? देखो भाई टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको सीधा करना, पीलापन है दांत में उसको चमकाना, मोती जैसे दांत को चमकाना, ठीक है ना, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिना दांत को निकाले उस दांत को बचाना, जिसको कि RCT बोलते हैं, इम्प्लांट, किसी भी प्रकार की कोई भी दांत की समस्या हो उसका समाधान यहाँ पे होता है भाई। और शिवा सृष्टि दोनों मेरी बेटी हैं, इनके नाम पर क्लिनिक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आप आओ, अभी हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलेंगे जिसमें यदि मेरी जान बची है तो अच्छे कर्म मैं करूं। भाई साहब यदि आज हम 2 से 2500 रुपये कोई भी या मार्केट में जो भी RCT का चार्ज कर रहा है तो उसमें बिल्कुल हम आधे कर देंगे, आधे से भी कम कर देंगे, सिर्फ वो जो डॉक्टर की थोड़ी बहुत जो फीस हम उनको देंगे वो बिल्कुल चैरिटेबल कर देंगे। ये आप बताओ, कमेंट करके बताना क्या मेरे को ये काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी वजह से, यदि मुझे सतेंद्र भाई पुनर्जन्म मिला है तो मैं चाहता हूँ मेरी वजह से, दांतों की वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए कि भाई PGI में काम नहीं आ रहा, सिविल हॉस्पिटल में यदि आपका नंबर नहीं लग पा रहा है तो आप सृष्टि डेंटल क्लिनिक पे आओ, शिवा डेंटल क्लिनिक पे आओ, हम आपका काम करेंगे, हमारी भावना ऐसी है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट और है, क्या करते हैं भाई अजय भाई, कि सभी ये दिखाते हैं अपने आप को कि भाई हम ज़रूरतमंद हैं, तो यार बच्चे तो हमारे भी हैं और सामान भी आता है, किराया भी आता है, मतलब इस हिसाब से करें कि यार जो दे सकता है वो दे दे, ना दे सकता है तो हम कर ही रहे हैं अपनी तरफ से भी। बिल्कुल भाई जी, तो यही है भाई मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर विजिट करें, जरूर दें और विजिट करें। बिल्कुल, और आप एक बार फ़ोन करके आएँ, देखो मेरा नेचर हो सकता अलग है, मेरे स्टाफ का नेचर अलग हो, आप एक बार मेरे से मिलें, एक बार देखें आप मेरी, आपको किसी भी भावना में कोई कमी नहीं नजर आएगी, नियत में कोई फॉल्ट नहीं आओगा भाई, कति दिल से बढ़िया काम कराएंगे और जितना भी भाई हमारे से होता हम करेंगे। बिल्कुल, तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, आधुनिक मशीनों के द्वारा आपका इलाज किया जाएगा, किसी भी प्रकार के टेढ़े मेढ़े दांत या कोई भी पीलापन की समस्या या जाड़ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई भी एनी प्रॉब्लम यदि दांतों से रिलेटेड है तो उसका समाधान सृष्टि डेंटल क्लिनिक या शिवा डेंटल क्लिनिक पट्टी के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर होगा, पूरा स्टाफ आपको मिलेगा, पूरी सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप रोहतक से आप देख सकते हैं। फिलहाल कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, अंत में क्या संदेश आप देंगे, छोटा संदेश जी? छोटा संदेश यही है, देखो यदि अच्छे काम करोगे ना, डू गुड हैव गुड, इंग्लिश में कहते हैं अच्छा करोगे तो आएगा। बूमरैंग क्या होता है कि वो मोगली का बूमरैंग नहीं होता है, वो फेंकता था और उल्टा, वो काटोगे, अच्छा करोगे तो आगे आएगा। और गलती किसी से भी हो सकती है, बचपन में आदमी टॉफी भी खा हुआ है, चलो गलती, अब तो सुधर जाओ, अब तो टाइम आ गया है ना, अच्छा करो भाई, अच्छा आगे आता है। मेरे आसपास काफ़ी थे जो एक्सपायर भी हो गए, शायद मेरे कर्म अच्छे थे, भगवान ने बचा लिया, सतेंद्र भाई जैसे मेरे को वहाँ मिले, बहुत मदद करी सतेंद्र भाई ने यार। ड्यूटी नहीं होती थी तो मैं वेट करता था कब आएगा भाई साहब, कई बार मैदान था, आप कहते हो ना 20-20, 30-30 मिनट बैल बजा देते थे, कोई आता नहीं था स्टाफ का, लेकिन मैंने कभी कोई कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखा, ये साथ में है। कई बार ऐसा होता था सतेंद्र भाई
लेकिन मैंने कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखा। तो आप भी जीवन से लास्ट में संदेश ये है कि कंप्लेनिंग नेचर ना रखिए, थैंकफुल रहें हमेशा। जे अजय भाई है, अजय ने इतनी मदद कर दी, शुक्रिया भाई। यानी कि बुराई ना याद रखो भाई, अच्छाई याद रखो हमेशा, और अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को शेयर करे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुनील गुंजार के साथ रोहतक से मैं जबार द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।